To see different types and designs of marbles, I have arrived at Amit Marbles. मार्बल के बड़े रेंज की वजह से यह वीडियो तीन भागों में है। यह वीडियो मार्बल एक्सप्लोरेशन सीरीज का तीसरा भाग है। नमस्कार, मैं आरती, आरतीज वर्ल्ड ऑफ डेकोर एंड डिज़ाइन में आपका स्वागत करती हूँ। ₹100 पर स्क्वायर फीट ये है क्या? इसका नाम है जैसे रोजो अटलांटा बोलते हैं। तो ऐसा ही पत्थर आपने जो शोरूम में दिखाया था, यही पत्थर था। बाथरूम क्लैडिंग करने का वॉल हाईलाइट। आप देख सकते हैं यहाँ गोल्डन स्ट्राइप है और ये ग्रे बेस कलर इसका ग्रे है। इसमें कहीं कहीं पतली ग्रे लाइंस आ रही हैं, ब्लैक भी है और वाइट का भी टेक्सचर है। ये देखिए, ये ब्राउन शेड में है। किसी एरिया को हाइलाइटेड करने में हम यूज़ कर सकते हैं इसका। और सुभाष जी, आप कुछ इसका लाइट एंटर का टाइम है, बहुत फेमस पत्थर है, काफ़ी दिनों से लगते रहे रहते हैं, आप 40 साल से लगते हैं पत्थर इंडिया में। हाँ, जहाँ पे अगर हाइलाइटिंग करनी है और जहाँ लाइट ज़्यादा लाइट का यूज़ किया जाता है तो वो वहाँ ये पत्थर बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ये ब्लूइश ग्रे कलर के मार्बल में मरून कॉम्बिनेशन में ये मार्बल है। ये स्पेन से इंपोर्ट होकर आता है और इसकी प्राइस क्या होगी? 800 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो आप क्या बता सकते हैं, आपके यहाँ सबसे सस्ती जो शुरू मिनिमम रेंज टू मैक्सिमम रेंज क्या है? मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। आप अपने घर के डेकोर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो देयर इज नो लिमिट। काले में सबसे अच्छा बेज कलर के मटेरियल है, पर्लटू सिसिलिया। कैमरे में उतना लाइट की वजह से ठीक से कैप्चर नहीं हो पा रहा है। ये लाइट ब्राउन में है और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। इसकी लाइफ क्या होगी? 80 साल हम बताते हैं गवर्नमेंट को, अगर वोट करते हैं ना, अदरवाइज कभी ये इन्वर्टर चीजें खराब नहीं होती। ओके, और इसका प्राइस आप बता सकते हैं? 350 का है लॉट, पार्टिकुलर रेल लॉट ना, इसमें रेंज स्टार्ट हो जाता है 250 से अप टू 400 तक जाता है। क्वालिटी, उसकी चमक, उसकी फिनिशिंग के आधार पर इनका रेट आगे पीछे होता है। ₹250। देखिए, ₹250 की ये मार्बल है और बहुत क्लासिक लग रहा है। बिल्कुल भी आपको ज़्यादा ऊंचे दाम में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लो बजट रखना चाहते हैं तो ये पत्थर बहुत सही रहेगा। बाथरूम में आप कॉम्बिनेशन में इस मार्बल को यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रेनाइट है, रेड ग्रेनाइट। नॉर्थ से आता है ग्रेनाइट, हल्का ब्लू बोलते हैं क्वार्ट्ज है ना, और ये बड़े बड़े, इसको अगर ये ब्लू और ये अगर इसको ले करते हैं ना तो स्पार्कल फील आता है।
जब इसे पॉलिश किया जाता है तो ये स्पार्कल आता है इसमें। इंडिया में ऐसा कोई ग्रेनाइट नहीं आता। इसके तीन कलर है, एक ये कलर है, एक ये ब्लैक है। अच्छा, एक ये है। आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि कैमरे में कितना स्पार्क कर रहा है, और जब इस पर पॉलिश होता होगा तो जब इसे कस्टमाइज़ किया जाता होगा तो ये कितना खूबसूरत लगता होगा। होती है, ये मजबूत भी होता है, लेकिन ये सफ़ेद है, और काउंटर टॉप पर अगर सफ़ेद लगाते हैं तो क्या कलर के हल्दी वगैरह के दाग लगने के? इसमें नील है, बट इसमें और भी कलर के ऑप्शन है जो आपको। नहीं, लोग आजकल व्हाइट प्रेफर कर रहे हैं। व्हाइट के लिए सबसे रिलायबल मटेरियल है क्वार्ट्ज। बारे में बता सकते हैं आप? ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके पीछे हम लाइट डालते हैं ना, ये ट्रांसपेरेंट पत्थर है और इससे लाइट छन कर बाहर निकल कर आती है और वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आपने होटलों में देखा होगा, ये देखिए। तो इसकी कीमत आप बता सकते हैं? 850 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ये भी ऑनिक्स है, और ऑनिक्स मार्बल ही हुआ ना? मार्बल, बट इसकी डेंसिटी ऐसे होती है, हार्डनेस अच्छा होता है, बट ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। पीछे से लाइट करो इसकी, और मतलब मार्बल की मोटाई में और इसकी मोटाई में कुछ डिफरेंस? मोटा तो सेम ही है, बट इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी होती है। ये हार्ड होता है, ज्यादा हार्ड होता है मार्बल से। 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट इसका रेट है, और आप देख लीजिए आपको इसमें से क्या पसंद आ रहा है, आप क्या यूज़ कर सकते हैं आपके बजट के हिसाब से। बहुत सारा कलेक्शन है। एक्सटीरियर का लिमिट 500 रुपये तक है मैक्सिमम। एक्सटीरियर 500 रुपये तक जाता है, ठीक है, लेकिन इंटीरियर का कोई लिमिट नहीं है। और अगर कोई जैसे मुझ जैसा इंसान है जो नहीं पहचान पाता है, तो एक्सटीरियर और इंटीरियर पत्थर में हम कोई बेचने वाला नहीं चाहेगा कि आपका पैसा नुकसान हो। वैसे लोग लगा लेते हैं, बट वो हम बताते हैं कि एक्सटीरियर में 2-3 साल में खराब हो जाएगा। अच्छा, और एक्सटीरियर वाले पत्थर इंटीरियर में लगाए जा सकते हैं कि नहीं? तो उनकी तो ड्यूरेबिलिटी रहेगी, बिल्कुल रहेगी, क्योंकि वो एक्सटीरियर के पत्थर है और सस्ते में भी आ जाएंगे। सस्ते में आ जाएंगे, बट एक्सटीरियर के पत्थर जो होते हैं ना, वो क्लाइडिंग कर सकते हैं फ्लोर पे, उसमें जो पॉलिश का स्केल है ना, वो कम रहेगा। अच्छा, तो मार्बल का जो स्केल आता है पॉलिश का, 90 का आता है, नॉर्मल पॉलिश करते हैं ना। अच्छा, तो उसका स्केल आपको 2-3 महीने के बाद 30-40 का आ जाता है, जो एक्सटीरियर के पत्थर होता है। एक्सटीरियर के ये एक्सटीरियर में यूज़ होता है, और इसका रेंज क्या है? 400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ये कहाँ पे यूज़ करते हैं? एक्सटीरियर को क्लाइडिंग करना भी काम आता है। एक्सटीरियर डेकोर में इसे यूज़ किया जाता है, बाहरी दीवारों पर आप इसे यूज़ करते हैं। और ये टेक्सचर किया हुआ है,
तो इसमें काई या इस तरीके के पानी के बैठने की संभावना नहीं रहती है। यहाँ मार्बल अप्लाई किया हुआ है, ये लगा हुआ है मार्बल और इसमें पॉलिश होना बाकी है। यही क्लैडिंग किया हुआ है, जब पॉलिश होगा तब पता चलेगा, तब निखर कर आएगा। इस तरीके से आप डोर के किनारे किनारे भी क्लैडिंग, मार्बल क्लैडिंग कर सकते हैं। तो क्या आपकी डिलीवरी ऑल इंडिया होती है सुभाष जी? आप कर सकते हैं ऑल इंडिया डिलीवरी? तो कैसे लोगों को पता चलेगा आप अगर देना चाहेंगे, या लोग कैसे ऑर्डर कर सकते हैं आपको? हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, ये सारे जगह पर आप माल भेजते हैं। और यहाँ वेबसाइट है, उस पर देख सकते हैं या नंबर में मैं आपको लिंक में इनका वेबसाइट दे दूंगी, तो आप उनकी वेबसाइट पर संपर्क। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।